ये तस्वीरें दिल दहला देंगी, ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून का राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक। दरअसल इटावा जनपद के थाना एकदिल क्षेत्र के अंदर आने वाले गाँव उदनापुर के मजरापुट में एक दंपत्ति की जिंदगी ले ली गयी। दंपत्ति की हत्या के बाद से ही गाँव में सनसनी का माहौल है और हत्या का शक किसी और पर नहीं बल्कि बेटे और बहू पर आ गया है। चूंकि हत्याकांड के बाद से ही परिवार के लोग फरार हो चुके हैं। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जिला अधिकारी भी पहुंचे। इसी के साथ फोरेंसिक टीम ने सैंपल्स ले लिए और पुलिस की तरफ से शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान की तरफ से बताया गया कि सुबह लोगों को पता चला कि यहां पर दो मर्डर्स हुए हैं। घर में इस वक्त तुरंत आकर देखा तो यहां पर दो लोगों के मर्डर हो चुके थे। बताया गया कि सुबह ही पारिवारिक लोग निकल गए, बाकी और कोई जानकारी उन्हें इस वक्त नहीं है। बता दें कि मृतक का नाम आसाराम है, उनकी दो पत्नियां हैं। एक पहले शादी हुई थी, उनका नाम रीता था, और दूसरी पत्नी जिनसे शादी हुई वो पहली बार यहां पर आई थी। इनकी दूसरी पत्नी और आसाराम दोनों लोगों का मर्डर हुआ है। मृतक आसाराम पहले भी आए थे तो अपनी पैतृक जमीन बेच गए थे। हत्या किस वजह से हुई ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि पहली बीवी के दो लड़के हैं जिनका नाम अमित और राहुल है। दूसरी वाली बीवी जो कि मृतक है उसकी दो बेटियां हैं, उनका नाम किसी को नहीं पता। वहीं जब मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पूरा मामला बताया, कौन फरार है, क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ पूरे केस में हुआ है। चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए मौके पर जिलाधिकारी महोदय और हम और पूरी टीम एसपी सिटी सीओ सिटी थानाध्यक्ष और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी आ चुका है और आपने देखा होगा कि सर पे चोट है और कुछ शार्प इंजरी की भी जैसे फावड़ा की चोट भी है, फावड़ा बरामद भी हो गया है। और जो इसमें घर में कुल जो बड़े थे एडल्ट थे वो छह लोग रह रहे थे जिसमें से चार लोग अभी नहीं मिल रहे हैं घर पे और दोनों बेटे पहली पत्नी और बहू ये चार लोग नहीं हैं। जैसा कि गाँव वाले ही बता रहे हैं कि 12 दिन पहले ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली से लौटे हुए थे और 25 दिन पहले भी दिल्ली से आए थे। तो कुछ जो खेत बेचने का मामला चल रहा था कि दो पत्नी थी और जो पहली पत्नी से बच्चे थे वो दिल्ली में कमाते थे तो ये 12 दिन पहले आए हुए थे। वो चारों लोग जो पहली पत्नी है, दोनों बेटे हैं और बहू हैं अभी फिलहाल मौके पर नहीं है। इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आसाराम और उनकी पत्नी की जो है, तो इस प्रकार बेबी की। तो ये जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनके बेटों ने और बहू ने मिलकर इसकी हत्या की, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। बाकी तहरीर के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है, जो पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हम अग्रिम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम में जो आता है तथ्य के आधार पर और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें अभियोग दर्ज करके सख्त कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के क्या ही हाल है। यहाँ पर दिन दहाड़े एक नहीं डबल मर्डर्स होते हैं और पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मर्डर्स की खबरें सामने आती रहेंगी। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर ये हत्या की यानी कि ये डबल मर्डर जो है इसकी गुत्थी पुलिस कब तक सुलझा पाती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।